ये गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था, मैं तब से पढ़ ही रहा था। अभी देख तो आलू की दोनों सब्जी है और रोटी, इसको खाता हूँ। थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा भाई, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ ही रहा हूँ और खाना खाते हैं अभी। ओके गाइस अभी शाम हो चुकी है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी लेकिन मैं सोया नहीं, मैं पढ़ रहा था। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया और अभी चलते सीधा लक्ष्य घर, क्योंकि सब वहाँ पहुँच गया और मैं ही नहीं पहुँचा अभी तक, लेट हो गया है। तब चलते हैं भाई सीधा वहाँ पे घर, और फिर मतलब उसके घर, और फिर जाते रुकेंगे नहीं, बस जाके केक लगा के आनी है और फिर आके फिर से पढ़ूंगा। मैं आके देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है भाई नींद आ रही है मुझे, बहुत तेज़ नींद आ रही है लेकिन सोया नहीं मैं। दोपहर में नहीं सोया क्योंकि पढ़ ही रहा था, सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ ही रहा था, पूरा पढ़ना पढ़ना भाई, दिमाग खराब हो गया। अभी चलते हैं सीधा। गाइस जानवर का बर्थडे, गाइस ये देखो नशे में काटो अभी सही आ रही है। फूक तो दे भाई पहले फूक तो दे कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लक्ष्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम काट के खिलाओ, काट के खिलाओ यार तमीज नहीं है। इसको खिलाओ ना। हाँ हाथ भी नहीं धुले सर, तुम भी तो खाओ, इसको भी खिलाओ। लक्ष्य साफ करेगा और क्या। बिरयानी चीनी बनाते हैं आप सुनता है। गैस तो अभी मनीष से निकल रहे हैं, शोरमा रोल खा लिया है, अभी घर जाके पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे ही घर आया वैसे ही लाइट चली गई भाई, अभी 7 बज रहे हैं, पढ़ते हैं अभी। पता है जब मैं यहाँ से जाने से पहले लक्ष्य घर पे मैं पढ़ ही रहा था, बैठे बैठे सो गया, 1 घंटा कम से कम मैं बैठे बैठे सो गया। और सुबह जल्दी उठा था, उठ के पढ़ रहा था, इसलिए नींद भी बहुत तेज जल्दी आ रही है। तो मैंने सोचा जल्दी से ब्लॉग एंड करके एडिट करके अपलोड कर दूंगा और पढ़ूंगा फाइनली, क्योंकि भाई जिस तरीके से एग्जाम जा रहे हैं ना, अब क्या ही बोलना है। क्योंकि देखो मैंने कुछ पढ़ा तो है नहीं, मतलब कि 1 दिन पहले ही पढ़ रहा हूँ या 1 हफ्ता बोल सकते हो, और इतना ज़्यादा सिलेबस है कि कवर कर ही नहीं सकते। अब वो आदत भी नहीं रही कि 1 दिन में पूरी रात जग के पढ़ लेना वैसा पहले की तरह। जब से लॉकडाउन आया तब से तो आदत ही छूट गई है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं 2nd सेमेस्टर से, ये सेमेस्टर से चलो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करूँगा। एटलीस्ट हफ्ते में डेली नहीं पढ़ पा रहा तो हफ्ते में 2-3 बार ही पढ़ लूँ, 2-2 घंटे पढ़ लूँ, वही काफ़ी है। और असाइनमेंट जितनी जल्दी ख़त्म कर दूँ उतना ही सही है, क्योंकि इस सेमेस्टर में क्या हो गया, मैं असाइनमेंट करते करते ही पूरा मतलब इस टाइम ऐसे ही निकल गया मेरा, एग्ज़ाम आ गया, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। आई होप कि बैक एक ना आए, लेकिन जिस हिसाब से जा रहे हैं तो वो आ सकती है भाई। और टफ टफ पेपर भी, अभी तो मैथ भी बचा है। पर ये जान के मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरी क्लास में भरे पड़े भाई, मेरे जैसे भरे पड़े हैं। कोई नहीं, अभी खा के तो आया हूँ, देखो थोड़ा बहुत खाता हूँ, पढ़ूंगा बैठ के अभी बस, तभी एंड करता हूँ लोग अगर आप सबने। और हाँ, बस 2 एग्ज़ाम बचे हैं मेरे, 1 कल है और 1 2 तारीख को, फिर इसके बाद बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं वैसे भी हर संडे हम लोग ने जाना स्टार्ट ही किया था अलग अलग जगह पे, फिर से जाएंगे, बुलेट भी निकालूंगा, जैनेश्वर चाय वाला .com, ये सब जो आना जाना था वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। और मोटो ब्लॉगिंग स्पेशली वो भी स्टार्ट कर दूंगा जैसे एग्जाम खत्म होगा, लक्ष्य को बुला के पूरा सेटअप कर देंगे, फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको। और मैं बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ भी कर दूंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे घर पे भी ऑलमोस्ट से मेरे बहनों को छोड़ के किसी को नहीं पता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ स्कूल के फ्रेंड्स को पता है और हार्दिक को भी नहीं पता जो मेरा कॉलेज फ्रेंड, तो बाकी सारे लोग को सरप्राइज़ देना है, उनका रिएक्शन लेना है। तो बस इसी के लिए बने रहना चैनल पे, बस कुछ दिन की बात और है फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब ये बिस्ती हुई हो ना, कितनी खींची कई बार खिंच जाती है।